अभी हम स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्षेत्र कितना है, उसका क्षेत्र विस्तार कितना है, ये सब्जेक्ट कितना डीपर है, ये अकाउंटिंग कितनी डीपर है, इसके बारे में अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र, मतलब कि ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जो प्रबंध लेखांकन है, वो कितना फैला हुआ है। तो इसके बारे में मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो सब्जेक्ट है जो कि मैनेजर्स के लिए अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करता है जैसे कि उनको निर्णय लेने में सहायक हो सके, उनके कार्य संचालन में सहायक हो सके, ठीक है, उनके डे टू डे ऑपरेशन में क्या कर सके, वो हेल्प कर सके। तो ये क्या करता है कि ये कुछ इंफॉर्मेशन इसी वे में कलेक्ट करता है या इसी तरीके से कलेक्ट करता है जो कि मैनेजर्स के लिए क्या हो, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है, अब आपको पता है इसके अंदर अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग वर्ड है इसलिए अकाउंटिंग की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी और प्लस मैनेजमेंट की सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो अकाउंटिंग की जो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँ अकाउंटिंग का मतलब क्या होगा कि ये सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को तो रिकॉर्ड करेगा ही, ठीक है, इसके अलावा उसको मैनेजमेंट वाले सारे कामों को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जब मैनेजमेंट को हेल्प करता है और इतना पॉलिसी क्रिएशन में उसका हेल्प करता है, तो उसके लिए ये मतलब समझो कि बहुत ही ज़्यादा डीपर सब्जेक्ट है, कुल मिला के ये बातें। ठीक है, मैं अभी आपको ये बताती हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हैं, बहुत सारे क्या है टॉपिक इंक्लूड है, बहुत सारे मेथड्स इंक्लूड है, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, ये बहुत ही ज़्यादा बिगेस्ट इसका स्कोप है। ठीक है, अभी जैसे इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें और इंक्लूड हो जाती है, इसके क्षेत्र कितना बड़ा है, सबसे पहले आता है इसके अंदर इंक्लूड होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, ये है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेकिन इसके अंदर क्या आ जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी इसी के अंदर आ जाती है। क्यों आ जाती है, इसके अंदर भी स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, P&L बनाया जाता है और बैलेंस शीट्स बनाई जाती है और बाकी सारी वो चीज़ें जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में की जाती है, प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया जाता है, एक नॉर्मल तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सारी चीज़ें सब इसके अंदर क्या आ जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग भी आता है, कैसे आता है, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ये सारी चीज़ें कॉस्ट का एलिमेंट को क्या करना, डिवाइड करना, क्लासिफिकेशन करना, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आती है। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें किसकी है, कॉस्ट की है, तो इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग भी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, बजट बनाना और पूर्वानुमान करना, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती है। इवन कि बजटरी कंट्रोल एंड फोरकास्टिंग तो टूल्स एंड टेक्निक्स है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तकनीक के अंदर बजटरी कंट्रोल और फोरकास्टिंग आती है। अब बजटरी कंट्रोल में क्या करते हैं, पहले बजट बनाते हैं, किसी भी काम को करने से पहले उसका क्या करते हैं, कॉस्ट का प्री एस्टिमेशन करते हैं, उस चीज़ को क्या कहते हैं, बजट बनाना कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बजट बनाए जाएंगे, पूर्वानुमान लगाए जाएंगे, तो इसका मतलब बजटरी और फोरकास्टिंग भी किस में आ गई है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आ गई है। ठीक है, इसके बाद आएगा स्टैटिकल मेथड्स, मतलब सांख्यिकी विधियाँ भी इसके अंदर होगी। क्यों, इसके अंदर चार्ट बनाए जाएंगे, ग्राफ बनाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें किस में होती है, स्टैटिक्स में होती है। तो स्टैटिक्स वाली कुछ चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती है, जैसे ट्रेंड एनालिसिस करना, तो ग्राफ बनाएंगे, पाई चार्ट बनाएंगे, बार ग्राफ बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं, टेबुलर फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये सब सांख्यिकी की चीज़ें हैं और सांख्यिकी की चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, फिर है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, सामग्री नियंत्रण। तो सामग्री नियंत्रण में आपको पता है स्टॉक लेवल की कैलकुलेशन करते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, फिर डेंजर लेवल और फिर रीऑर्डर लेवल, तो ये सारे लेवल की कैलकुलेशन भी इसके अंदर की जाती है। और इसके अलावा EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और ABC एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हैं जो कि इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड है, तो वो सारी चीज़ें भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आती हैं। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये सब इसके अंदर आती क्यों है, ये सब इसके अंदर इसलिए आती है क्योंकि मैनेजमेंट को पॉलिसी बनाने के लिए इन सब सूचनाओं की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, इन सारी इंफॉर्मेशन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये सारी चीज़ें भी आ जाती है। ठीक है,
अब है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। डेटा का क्या है? निर्वचन, मतलब समंकों को और सूचनाओं को रिप्रेजेंट करना, अच्छे तरीके से उनको शो करना, जैसे कि ईयर वाइज, डेट वाइज सारे। तो ये सारी चीज़ें जो कि स्टैटिक्स में होती है, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर आती हैं। अब मेन बात करते हैं टैक्स प्लानिंग और मैनेजमेंट। मेन काम है टैक्स प्लानिंग करना, ये सोचना कि कैसे इस कंपनी के ऊपर, कैसे इस बिजनेस के ऊपर कम से कम क्या हो टैक्स लगे, और हमें ऐसा मैनेजमेंट करना है कि अगर हमारी इनकम ज़्यादा भी है तो हम उस टैक्स को कैसे बचा पाए, और वो भी लीगली वे में कैसे बचा पाए। तो ये सब आते हैं टैक्स प्लानिंग और मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आती है, ठीक है। अब चलते हैं इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट इसके अंदर आ जाती है। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? ऑडिटिंग का मतलब होता है कि हमारे जो अकाउंटिंग के बने हुए हैं स्टेटमेंट, वो सही ढंग से बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं, ये चेक करना, ठीक है। ऑडिटिंग का मतलब होता है कि लेखांकन सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जांच करना। तो इसके अंदर क्या आएगा? इंटरनल ऑडिटिंग भी आ जाएगा। इंटरनल ऑडिटिंग मतलब जब एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट बिजनेस में बहुत सारे स्टेटमेंट बनवाएगा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी अलग वे में प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करवाएगा, तो ये सब इंटरनल ऑडिट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मतलब उनको बाहर से कोई ऑडिटर भी नहीं रखना पड़ेगा, उनके बिजनेस के अंदर अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग अप्लाई की जाती है तो इंटरनल ऑडिट भी ऑटोमेटिकली वहाँ पे हो जाएगी। इंटरनल ऑडिट मतलब अंदर लोग सही ढंग से काम कर रहे हैं, सही ढंग से हमारे पास डेटा लिखा हुआ है, हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉपर की हुई है, हमारे पास सारे डेटा अवेलेबल्स है, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। फिर है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मतलब प्रतिवेदन तैयार करना। ये जो प्रबंध लेखापाल होता है वो अपना प्रतिवेदन समय समय पर तैयार करता रहता है। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है वो अपना रिपोर्ट टाइम टू टाइम, मंथली, 6 मंथ, आफ्टर 3 मंथ, ऐसे एक रिपोर्ट तैयार करता रहता है। तो वो रिपोर्ट जब उसके पास तैयार रहती है तो मैनेजर को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उस रिपोर्ट से भी उनको मिल जाती है। तो इसके अंदर रिपोर्टिंग भी की जाती है, और रिपोर्टिंग मेन ऑडिट का पार्ट होता है। एक कंपनी में जब भी ऑडिटर को क्या किया जाता है? एम्प्लॉयड किया जाता है। तो वो ऑडिटर कंपनी में क्या करता है? रिपोर्ट बनाने का काम करता है कि हाँ ठीक है, इनकी अकाउंटिंग अच्छी तरीके से कर रखी है, इन्होंने सारे अकाउंट मेंटेन कर रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें रिपोर्टिंग के अंदर वो लिखता है। तो अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो हमें रिपोर्टिंग भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, ठीक है। और मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। अगर मैं उनके नाम आपको बड़े मोटे तौर पर बताऊं तो जैसे कि बजटरी कंट्रोल हो गया, दूसरा हो गया मार्जिनल कॉस्टिंग, फिर हो गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और फिर हो गया कॉस्टिंग ऑन द वेरिएबल बेस। ये सारी चीज़ें जो हैं, ABC एनालिसिस, इन्वेंट्री कंट्रोल्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आ जाती है। तो इसके अंदर मेथड्स भी बहुत सारे होते हैं और प्रोसीजर भी बहुत सारे होते हैं। और दूसरा, अगर फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करूँ तो उसके अंदर भी मेथड्स आएंगे, रेशियो एनालिसिस, ठीक है, फंड फ्लो, कैश फ्लो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे प्रोसीजर हैं, कुछ कॉस्ट से रिलेटेड है और कुछ किससे रिलेटेड है? फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारे, इतना स्कोप है इसका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत लार्जेस्ट स्कोप है इसका, और इसके अंदर बहुत सारे विषय। अभी हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस मतलब इसके कार्य, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या काम करता है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन तो काम होता है मैनेजर्स को क्या करना? सपोर्ट करना, हेल्प करना। किसके लिए? पॉलिसी क्रिएशन के लिए और उनके दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों के लिए। दिन प्रतिदिन के कार्यकलाप मतलब डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। दो कामों में हेल्प करता है, पॉलिसी क्रिएशन के लिए और डे टू डे ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो इन दोनों कामों में हेल्प करने के लिए उसे कुछ काम करने पड़ते हैं। कुछ काम मतलब कुछ ना कुछ तो करेगा, तभी तो वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करने के लिए ये दो वे यूज़ करता है, दो तरह के वेज हैं जिस वे में वो उसको क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। वे नंबर फर्स्ट है प्रोवाइडिंग नेसेसरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट को आवश्यक सूचना प्रदान करके। और दूसरा है हेल्पिंग इन परफॉर्मिंग मैनेजरियल एक्टिविटीज़, मतलब कुछ प्रबंधकीय कार्यों को पूरा करके भी वो मैनेजमेंट की क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट, प्रोवाइडिंग नेसेसरी एक्टिविटीज़,
सॉरी प्रोवाइडिंग नेसेसरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि उसको कुछ तीन चार प्रकार के काम करने पड़ेंगे। तीन चार प्रकार के काम मतलब सबसे पहला मेजरिंग करना पड़ेगा, सेकेंड है रिकॉर्डिंग, और थर्ड है एनालिसिस, और फोर्थ है रिपोर्टिंग। इसको कहते हैं मापन, मेजरिंग को कहते हैं मापन। क्या मापन करना है उसको? मापन ये करना है प्रबंधकीय कुशलता का मापन करना है। किसका? मैनेजरियल एफिशिएंसी का, कि प्रबंधक हमारे कितने कुशल हैं, कितने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी कितनी है। इस चीज़ का मापन भी किस में किया जाता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर किया जाता है, ठीक है। फिर है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब लिखना, मतलब कि अभिलेख करना, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग का मतलब होगा कि कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको क्या करना? बुक्स के अंदर लिखना, रिकॉर्ड करना, फिर उनकी एंट्रीज करना, फिर अकाउंट्स बनाना, लेजर्स बनाना, बैलेंस निकालना, ट्रायल बैलेंस बनाना, फिर फाइनल अकाउंट्स बनाना, बैलेंस शीट P&L बनाना। तो ये सारे काम किस में आते हैं? रिकॉर्डिंग में आते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये भी काम उनको करना पड़ता है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग करेंगे तभी तो उनके पास बिजनेस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, और फिर वो किसको देंगे? मैनेजमेंट को देंगे, ठीक है। तो बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके लिखते हैं। फिर है एनालिसिस। फिर क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो हमने हमारे फाइनल अकाउंट बनाए हैं, हमने जो बैलेंस शीट बनाई है, हमने जो P&L बनाया है, हमने जो इनकम स्टेटमेंट बनाया है, वो सब क्या सही तरीके से बने हुए हैं या नहीं। और सही तरीके से तो अच्छा ठीक है बने हुए हैं, लेकिन हमने जिस तरीके से बनाए हैं वही तरीका क्या बाहर वाले लोगों को समझ में आएगा? आपको पता है कंपनी के जो भी या बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो बाहर वाले लोगों को पढ़ने पड़ते हैं। कुछ बाहर की इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, जिसे कहते हैं रुचि रखने वाले पक्षकार होते हैं, जिनको वो सूचनाएं देना बहुत ज़रूरी होता है। अब वो रुचि रखने वाले पक्षकार कौन से होंगे? एक तो लेनदार होंगे, एक गवर्नमेंट होगी, एक कंपनी के मैनेजर खुद होंगे, और एक बाहरी वो ऋण देने वाले व्यक्ति होंगे। उन सबको भी क्या चाहिए? बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए। बिजनेस के विनियोगकर्ता भी चाहेंगे कि हमें बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो तो बताओ। तो वो सब बताने के लिए उनको एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जो कि बाहर वाले लोगों के लिए भी क्या हो? हेल्पफुल हो समझने में। क्या समझने में? कि इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितनी इसकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है, कितना बिजनेस फाइनेंशियली आगे चल सकता है। तो ये सारी चीज़ें उनको बताने के लिए हमने जो स्टेटमेंट बनाया है उसको वापस एक ऐसे फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा जिनको अगर ज़्यादा अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है तो भी वो चीज़ें क्या आ जाए? समझ में आ जाए। तो ये सारी चीज़ें किए जाते हैं एनालिसिस के अंदर। एनालिसिस में हम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ही ऐसे करेंगे कि बाहर वाले लोगों को क्या हो जाए? समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे 2 सालों का एक साथ में बनाकर, 2 ईयर्स का साथ में मेंशन करेंगे तो कंपैरेटिव स्टडी थोड़ी अच्छी से हो जाएगी, ठीक है। 4 नंबर पॉइंट है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मतलब अब ये जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होगा वो अपनी क्या बनाएगा? रिपोर्ट तैयार करेगा। वो भी मंथली भी कर सकता है, 3 मंथ के हिसाब से भी कर सकता है, और 6 मंथ के हिसाब से, और 1 ईयर के हिसाब से पूरी भी कर सकता है, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट बनाएगा उस रिपोर्ट में वो सारी चीज़ें लिख देता है कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को दे दी है, इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है, हमारा काम इतना था वो था। तो जो भी रिपोर्ट होगी वो सब क्या कर देगा? वो दे देगा, ठीक है। तो ये 4 काम वो करता है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। कौन? मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। फिर दूसरा है हेल्पिंग इन परफॉर्मिंग द मैनेजरियल एक्टिविटीज़। मतलब कि वो कुछ प्रबंध के कामों को करने के लिए भी क्या करता है? हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है, ठीक है। कैसे हेल्प करेगा? वो पहले हेल्प करेगा प्लानिंग के अंदर, फिर हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर स्टाफिंग के अंदर, फिर डायरेक्टिंग के अंदर, और फिर कंट्रोलिंग के अंदर। कैसे हेल्प करेगा मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है ये पांचों जो है वो किसके काम है? मैनेजमेंट के काम है, ठीक है। मैनेजमेंट के फंक्शंस भी कहते हैं इनको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ, और डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अब देखो, अगर प्लानिंग करनी है, प्लानिंग में क्या होता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, ये सारी चीज़ें हम पहले से क्या करते हैं? सोच के रखते हैं। हम पहले से ये सोचते हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हम क्या प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग चाहिए होता है।
आपको पता है आगे हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंट रोल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिसीजन मेकिंग के अंदर रोल भी देखना पड़ेगा। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि हम अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हैं तो हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें, मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट कितना चलेगा, मार्केट की रिसर्च करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी वैल्यू रहेगी, कितनी डिमांड रहेगी। ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हैं, करते हैं। और इसके लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसको बोलते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, जैसे BEP एनालिसिस भी होता है, तो वो सारी चीज़ें हम आगे और पढ़ेंगे। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन भी मैनेजमेंट का काम है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि किसी पर्सन की एफिशिएंसी के हिसाब से उसको बिजनेस में क्या दे देना, पोस्ट दे देना। ठीक है, कि कोई बंदा किसी बिजनेस में किस पोस्ट पे काम करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखा जाता है। एक वेल क्वालिफाइड पर्सन को अच्छी पोस्ट के ऊपर रखा जाएगा और जिसकी क्वालिफिकेशन जिसकी एफिशिएंसी कम है उसको नीचे वाली पोस्ट दी जाएगी। ये सारा काम किस में करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हैं। फिर करेंगे स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब संस्था में जितने भी रिक्त पद है उसको भरना, मतलब जितनी भी वैकेंसीज है उसके ऊपर पर्सन को एम्प्लॉयड करना। ये सारा काम स्टाफिंग के अंदर किया जाता है और इसमें भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत हेल्प करता है। वो डेटा अवेलेबल करवाता है, स्टैटिकल डेटा अवेलेबल करवाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इससे स्टाफिंग में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। फिर चलते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब लोगों को इस प्रकार से तैयार करना, लोगों को इस प्रकार से निर्देश देना कि वो काम क्या कर सके, सही ढंग से कर सके, बहुत ही अभिप्रेरित रूप में कर सके, उनका मोटिवेशन लेवल भी क्या हो, बहुत हाई हो। ये सारा काम किस में किया जाता है, डायरेक्शन में किया जाता है। लोगों को क्या किया जाता है, अभिप्रेरित किया जाता है, उन्हें निर्देश दिए जाते हैं कि आप ये काम करो, आपने बहुत अच्छा किया, आगे ऐसे ही करते रहो, आपके लिए ये सही है वो सही है। ये सब काम किस में आएगा, डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं कंट्रोलिंग। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि हमने प्लानिंग तो कर दी कि हम ये काम करेंगे, लेकिन बाद में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमने लोगों को काम दे दिया कि चलो आप सब लोग मिलके ये काम करो, लेकिन क्या वो काम वैसे ही कर रहे हैं या फिर उसमें कुछ गड़बड़ है या फिर काम में कुछ वेरिएंस हो गया है। अब आपको पता है कंट्रोलिंग करने के लिए पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या करना है, मतलब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद में हम पूरा काम करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमने जैसा सोचा था वैसा काम हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, और अगर कुछ अलग हुआ है या हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ है तो इसका मतलब हमें उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, उसका वैसा नहीं होने के पीछे भी कुछ रीजंस होंगे। ठीक है, इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत हेल्प करता है। बहुत हेल्प ऐसे करता है कि हम बजट बना सकते हैं पहले से, हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं। कंट्रोलिंग के अंदर वही बोलते हैं कि परफॉर्मिंग स्टैंडर्ड्स आप पहले से क्या कर दो, बना दो, और परफॉर्मिंग स्टैंडर्ड बनाने के बाद उसकी एक्चुअल से क्या करो, कंपैरिजन करो, और अगर कोई वेरिएंट होता है तो वो क्यों होता है उसका पता लगाओ और उस वेरिएंस को क्या करो, सही करो। ये सारा काम कंट्रोलिंग के अंदर होता है और बिल्कुल यही काम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर और बजट के अंदर भी यही काम होता है। ठीक है, उसमें भी हम क्या करते हैं, बजट बना लेते हैं और फिर एक्चुअल काम करते हैं और फिर पता करते हैं कि हमारी कॉस्ट कहीं बजट से ज़्यादा तो नहीं आई, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं और फिर उसकी एक्चुअल से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। समझ में आ गया आप लोगों को, होप कि आपको समझ में आया हो।